नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के ऊपर। आइए दोस्तों, आज हम आपको लाइव दिखाते हैं डूंगरपुर का बादल महल। डूंगरपुर के बादल महल में आपको ट्रेडिशनल चीजें मिल जाएगी, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, लोक गीत से संबंधित। और देखिए, ये एक संग्रहालय है। देखो यहाँ पर आपको कुछ वाद्य यंत्र दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर आपको सामने देखिए ये ढोल है, ठीक है। इसके साथ में ये आपको देखो ये डेरू है और ये मांदल है, ये चंग है। और आपने वाद्य यंत्र पढ़े होंगे कला संस्कृति के अंदर, ये भपंग है जो कि इसके अंदर एक तारा होता है। इस भपंग का आविष्कार देखो आपके मेव प्रदेश है ना, जो आपके मेवात प्रदेश सॉरी अलवर भरतपुर के अंदर वहां हुआ था, लेकिन ये सभी जगह इसका उपयोग होने लगा है। देखिए आपको एक छोटे छोटे आपको संस्कृति यहाँ पर मिलेगी, जो इसकी तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई है। ऊपर देखो यहाँ पर इस प्रकार देखो यहाँ के लोग वाद्य यंत्र बजाते हुए, साथ में यहाँ पर देखिए ये कुछ यहाँ पर बना रहे हैं, ईंटे वगैरह बना रहे हैं, जिसका फोटो दिखा रखा आपको। यहाँ पर देखो कृषि करते हुए लोग बता रखे हैं आपको। यहाँ पर देखिए लोग चारा पशु के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पानी लाती हुई महिलाएं, और यहाँ पर ग्रामीण जो महिला होती है उसका आपको फोटो दिखा रखा है। ये देखिए यहाँ पर छोटे बच्चे, पैसों की कमी और भूखमरी के कारण यहाँ पर देखिए छोटे बच्चे भी काम करते आपको नजर आ रहे हैं। ये डूंगरपुर का बादल महल है, साथ ही आपको यहाँ पर एक ये कलाकृति मिल जाती है। यहाँ पर अलगोचा वाद्य यंत्र आपको मिल जाता है, ये आपका राजस्थान का फेमस जो है ना अलगोचा वाद्य यंत्र है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए छोटी छोटी आपको ये मूर्तियां मिलेगी। ये देखिए मूर्तियां आपके सामने, ये अवशेष हैं, ये भी इन सारे को यहाँ पर संग्रहित कर रखा है। और इधर दिखाइए आप, ये हाथी है ना, हाथी वगैरह है, और यहाँ पर जो पुराने जो अवशेष है इनको यहाँ पर संग्रहित कर रखा है। इधर वापस आपको देखिए ये अलगोचा है, और ये देखिए सर ये और वाद्य यंत्र हैं। ये देखिए आपके सामने ये अलग अलग वाद्य यंत्र है, इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। इसके ये खड़ताल है, देखो ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है ये खड़ताल है, इकतारा। अच्छा इकतारा है ये आपको देखो बड़ा सा एक वाद्य यंत्र मिलेगा, ये है आपका वीणा, ठीक है, जो सरस्वती माता बजाती थी, ये इकतारा होता है ये भी, ठीक है। उसके बाद देखो ये बीन मिल जाएगी, जो कि आपके काल बेलिया जो होते हैं ना, वो सर्प जो सर्प को पकड़ने का काम करते हैं और सर्प को नचाने का काम करते हैं, वो यहाँ पर इसका यूज करते हैं। आइए अंदर आपको और बताते हैं कुछ चीजें। देखिए इधर आपको एक वाद्य यंत्र एक और मिल जाता है जिसका नाम है नगाड़ा वाद्य यंत्र है। इधर आपको एक भोपाजी मिल जाते हैं, यहाँ पर देखिए इनको भोपाजी कहते हैं। यहाँ पर आपको एक मंदिर मिलता है, देखो ये राजस्थान की संस्कृति है, देखो लोगों का विश्वास रहता है देवताओं के अंदर, तो ये यहाँ पर गोपाल जी का आपको मिल जाएगा फोटो। इधर आपको तरह तरह के आपको देवता हैं जो कि राजस्थान के अंदर पूजनीय हैं, वो सारे मिलेंगे, जैसे कि शेदा जी महाराज हो गए, गोगा जी महाराज हो गए। ऊपर आप एक बार दिखाइए कि इसकी कला संस्कृति देखिए इस प्रकार से। देखो राजस्थान के अंदर सभी जो मकान बने हुए हैं, पहले जो मकान थे वो सारे ऐसे केलुपोस मकान होते थे, बांस के माध्यम से इनको बनाया जाता था। आगे इधर और आइए आपको बताते हैं, एक और महल है, एक और कमरा है। इधर देखिए आपको देखो एक पेंटिंग मिल जाएगी। देखो पहले जो भित्ती जो चित्र होते थे इस प्रकार यहाँ पर पेंटिंग बनाई जाती थी, जो काफी प्रसिद्ध थी। उसके बाद आपको साइड ये मुझे लग रहा है आई थिंक ये कालीबाई होगी, कालीबाई की आपको यहाँ पर पूरी प्रतिमा मिल जाएगी, और साथ ही कालीबाई का फोटो भी आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये देखो ये किसी सामान को रखने के लिए इसका यूज किया जाता था, और ये देखिए ऊपर बांस बना रखे हैं, केलू वगैरह लगा रखे हैं, ये लालटेन है, ठीक है। ये भी लालटेन देखो ये भी पहले चलती थी, ठीक है, अभी इसका यूज नहीं होता है, लेकिन इससे भी पहले एक चिमनी चलती थी, वो चिमनी आपको बताएंगे इधर से। ये देखो ये चिमनी बिल्कुल पास से बताइए, इसमें दोस्तों केरोसिन का यूज होता था, जिसे हम घास लेट कहते हैं, घास तेल हो गया या मिट्टी का तेल हो गया, उसका उपयोग किया जाता था। देखिए ये चूल्हा आपको मिल जाएगा, दो चूल्हे एक साथ, दो चूल्हे के अवशेष आपको हर सभ्यता के अंदर भी मिले थे। यहाँ पर दो चूल्हे एक साथ जिसमें सब्जी और रोटी एक साथ बनती थी, साथ ही आपको देखो उधर से ये नींबू वगैरह निचोड़ने के लिए आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा। ये देखो इसके अंदर आटा वगैरह लगाया जाता था, ठीक है। और इधर देखिए ये चक्की है, ये चक्की है, देखो गट्टी है, इसको गट्टी बोलते हैं राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर आटा वगैरह पीसने का काम किया जाता था। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति है। ये वागड़ ग्रामीण रसोई देखो, ये पास से बताइए, अलग अलग रसोई के अंदर काम में ली जाने वाली वस्तुएं हैं, जैसे कि बेलन हो गया। अधिकतर चीजों के बारे में तो मुझे भी पता नहीं है, इसको दोस्तों संडासी कहते हैं, जो किसी चीज को पकड़ने के लिए काम आती है। और साथ ही आपको देखो ये आपका एक चम्मच मिल जाएगा पुराना, जो कि पूरा लोहे का बना होता था। ये गट्टी मिल जाएगी, ये यहाँ पर जो है ना ये आटा लगाने का मिल जाएगा।
और इस प्रकार और क्या है, ये देखो चूल्हा है यहाँ पर, और ये झाड़ू वगैरह है, ये आपकी कुदाली है किसी को काटने के लिए, और ये कालीबाई का फोटो है। ये ताक होती थी इस प्रकार से, जो कि देवताओं के लिए यहाँ पर पूजन पाठ के लिए यूज में की जाती थी। और देखिए जो भी आपको अच्छा लग रहा है इसको देखिए, वो देखो कुदाली यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहे हैं, और साथ ही अलग अलग तरीके के वो आपके बाण है आदिवासी लोगों के लिए। ये देखो प्रमुख चीजें, एक धनुष है, एक बाण है, ये आदिवासी लोगों की यहाँ पर पहचान है। इसी के माध्यम से लोग ये शिकार वगैरह करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। आज ये बाण और जो धनुष है इसका उपयोग देखो और ओलंपिक खेलों के अंदर भी किया जाता है। तो अब बाहर से बताएंगे आपको बादल महल। चलो दोस्तों अब हम ऊपर चलते हैं और पूरा आपको व्यू ऊपर से बताते हैं। ये दोस्तों हम ऊपर आ चुके हैं, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, और इधर आपको सामने नजारा देखिए, वो जो आपको जो महल दिखाई दे रहा है ना, वो महल है उदय विलास महल, जिसके अंदर अभी वर्तमान में म्यूजियम बना हुआ है, और महंगी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन है उसके अंदर, विंटेज कार हो गई, और म्यूजियम के अंदर आपको सारे एयरफोर्स वगैरह हो गए, आपके जेट विमान है उसे भी इसके अंदर रखे हुए हैं, जो आप जाकर के देख सकते हो। अभी इसके अंदर लाइटिंग वगैरह कर रखी है, और यहाँ पर देखिए आज 8 तारीख है ना, 8 अगस्त है, कल 9 अगस्त है, तो 9 अगस्त को यहाँ पर आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है, उस हिसाब से यहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी कर रखी है। आगे देखिए एक और म्यूजियम यहाँ आपको दिखाई देंगे, देखो यहाँ पर देखिए महाराज राज सिंह जी डूंगरपुर, ठीक है, इनके बारे में पूरी आपको जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। ये भी देखो नया ट्रेंड चला है जिसको हम कहते हैं राजस्थान का पेनोरमा, ठीक है, जगह जगह ऐसे पेनोरमा बनाए गए हैं जिसके अंदर आपको व्यक्ति विशेष के बारे में पूरी जानकारी आपको ऐसे मिलेगी, ठीक है। एक नई पहले राजस्थान के अंदर, जो कि लोगों को पुराने जो भी चीजें उसके बारे में बताने के लिए, ये देखो यहाँ पर एक गद्दा लगा हुआ है, देखो इसका भी यूज नहीं हुआ है, लेकिन पहले के जमाने में जब यहाँ पर जो है ना राजा महाराजा रहते थे, वो यहाँ का बाहर का नजारा देखने के लिए इस खिड़की का यूज करते थे, इसको छज्जा भी बोलते हैं, यहाँ पर बैठ करके पूरी झील का नजारा यहाँ से लिया जाता था। अब इसको पैक कर रखा है, कांच वगैरह लगा रखे हैं, और आगे देखते हैं, देखो इधर भी आपको मूर्तियां मिल जाएगी, देखो इस तरीके से आपको योगासन वाली जो मूर्तियां हैं आपको वहां पर भी मिलेगी, किराड़ों का जो मंदिर है वहां पर मिलेगी, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, तो जगह जगह से ऐसी मूर्तियां वगैरह भी ले रखी है, ठीक है। साथ में देखो ये आपको एक घोड़े वाली पेंटिंग मिल जाएगी, ठीक है, इधर भी देखिए ये आपको खजुराहो वाला यहाँ पर सीन आपको मिलेगा, इधर देखिए ये देखिए डूंगरपुर के सारे जो आपको देखने लायक चीजें आपको बता रखी है। देखिए ये एक महल है, ये आपका जूना महल है, देखो जूनागढ़ दुर्ग तो बीकानेर में है, जूना महल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका बादल महल है जिसके अंदर अभी हम वर्तमान में है, अभी चल रहे हैं। ये देखिए एक थंबा महल तो आपके जोधपुर के अंदर है, ये एक थंबिया महल है जो कि उदय विलास महल के अंदर स्थित है, ठीक है, उदय विलास महल भी आपको बताएंगे। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर भी एक पेंटिंग आपको मिल जाएगी, देखिए ये पेंटिंग मिल जाएगी, ये महाराज डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी, उसके बारे में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलो अंदर चलते हैं तो आपको इस वाले जो कमरे के अंदर आपको मिलेंगे सारे राजा महाराजा संबंधित हथियार वगैरह। देखिए ये आपको सारे देखो हथियार है जो कि राजा महाराजा इनको उपयोग करते थे, ये सारे हाथ में पकड़ करके चलाने वाले हथियार हैं, इनका उपयोग सैनिक लोग और राजा महाराजा लोग युद्ध के दौरान इनका उपयोग करते थे, ठीक है। जैसे कि आपके सामने देखिए ये छोटे छोटे हथियार हैं जो कि हाथ में रख करके चलाए जाते थे, इनको कमर के अंदर जूतों के अंदर यहाँ पर इनको लगा करके गुप्त में रखा जाता था, और जो बड़े हथियार हैं इनको कमर के ऊपर बांधा जाता था। ये देखिए ये हथियार, इसको देखो ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे पकड़ा जाता था, देखो ये तीन तरफ से वार करता था, एक तो देखो सामने से, एक ऊपर से और एक नीचे से, तीन तरफ से एक साथ दूसरे के ऊपर वार करता है, ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार आपको मिलेंगे। ये देखिए तलवारें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, अंदर ढाल भी है, देखो ये सभी के हथियार के बारे में आपको जानकारी दे रखी है, इसको आपको आराम से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ऊपर आपको देखिए ये आपको एक पेंटिंग वगैरह दिख रही है जिसके अंदर देखिए अलग अलग कलरों का यूज किया जाता रहा, ठीक है। ये जो पेंटिंग है उस समय आई थी जब मुगल आए थे राजस्थान के अंदर, उस समय इनका सारे पेंटिंग का विकास हुआ था,
ये देखिए आपको एक धनुष मिल जाएगा। इस धनुष का उपयोग भी शिकार करने के लिए या आखेट करने के लिए इसका यूज किया जाता था। ये सारे तलवारें वगैरह मिल जाएगी, इसका भी देख लो। ये सारे तलवारों के बारे में अलग अलग जो तलवारें हैं उनके आपको यहाँ पर बता रखा है कि ये देखो इसका नाम क्या है और इनका क्या काम आती थी। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं। इधर देखते हैं कि इस कमरे के अंदर और क्या मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। और चलिए ये देखिए आपको इधर एक बेनेश्वर मंदिर मिल जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं तो इधर आपको एक ये आपको देखो ये फतेहगढ़ी का पुराना देखो सीन देखिए। यहाँ पर एक भारत माता का मंदिर है ना, पहले देखो बिल्कुल ऐसे साफ था, बिल्कुल हरियाली नहीं थी, बाद में पेड़ पौधे वगैरह लगाए गए, काफी विकास किया गया। ये माल मिलेगी आपको फतेहगढ़ी वाली। ठीक है, इधर देखिए ये पुराना डूंगरपुर आपको मिल जाएगा। पुराना डूंगरपुर ऐसा हुआ था, अभी जो आप डूंगरपुर देखते हैं ना वो तो नया वाला बसा है, ये पुराना वाला डूंगरपुर है। ठीक है, ये आपको छतरियां मिल जाएगी। ये छतरियां देखो राजा महाराजा जो है ना उनके लिए याद में बनाई जाती थी। ये भी आपको बेनेश्वर धाम के यहाँ पर भीड़ मिलेगी, जो कि देखो राजस्थान का आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है, ये जूना महल है वापस, इधर भी आपको बहुत सारे फोटो मिल जाएंगे। ये देखो जूना महल का मेन प्रवेश द्वार है। ठीक है, अभी ये बंद है, देखो अभी चालू नहीं है। इसके बाद देखिए ये जूना महल के छज्जे वगैरह बना रखे हैं, ये देखो खंडर सा हो चुका है। अब इनके देख रेख के अभाव में सारे जो है ना किले वगैरह आप जो भी देखते हो खंडर टाइप हो चुके हैं। बाकी ये काफी अच्छे बने थे उस समय, देखिए आप किस प्रकार से बने होंगे। देखो इस तरफ आते हैं तो ये सारे देखो आदिवासी संबंधित आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो जैसे कि एक भाला हो गया, ये देखो इसको भाला बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताना। ये देखो ये आपके वापस देखो ये हो जाएगी आपकी, देखो ये बाण हो गया, ये धनुष हो गया, ये देखो ये सारे देखो पीछे बांस लगा रखा है, आगे लोहे की चीजें लगा रखी है अलग अलग प्रकार की। ठीक है, ये शिकार करने के लिए या फिर युद्ध लड़ने के लिए भी काम में आती थी। देखो आदिवासियों को देखो भामाशाह भी कहा जाता था, महाराणा प्रताप का काफी उन्होंने सहयोग किया था। जैसे कि पुंजा गिल का आपने नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप के काफी सहयोगी रहे। ठीक है, ऐसे ऐसे भामाशाह भी हुए हैं और ऐसे ऐसे महान योद्धा भी हुए हैं जिन्होंने मेवाड़ को बचाने में अपना अमूल योगदान दिया था। देखिए इन सारे हथियारों का उपयोग किया था। ठीक है, महाराणा प्रताप के समय ही आपके देखो छापा मारा युद्ध प्रणाली का देखो यहाँ पर आविष्कार हुआ था, या फिर कहते हैं उसको छापा मार युद्ध, तो छुप करके वार किया जाता था इन सारे हथियारों का यूज करके। फिर आगे आते थे यहाँ पर देखिए आदिवासी पगड़ियों के यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार मिल जाएंगे। देखो आदिवासी लोग जो पहनते हैं ना ऐसी पगड़ियां पहनते हैं, इनको भी यहाँ पर लगाया गया है। ये देखो सारी पगड़ियां आपको मिल जाएगी, जैसे कि जालापाव हो गई, मेवाड़ी राजशाही पाग हो गई, डूंगरपुर राजशाही पाग हो गई, नीचे आपको पटेल पाग, वैश्य पाग और गमेती पाग, गायरी पाग। गमेती पाग कौन पहनता है आप कमेंट करके बताना, एक बार रिसर्च करके कि गमेती किसे कहते हैं। ये देखो ये पगड़ियों यहाँ पर लोगों को बताने के लिए रख रखा है इन सभी को। ये देखिए पुराने जमाने के अंदर रसोई के अंदर काम आने वाली सारी चीजें, जैसे कि इसे ओखली हो गई, ठीक है, ये चाय का बर्तन हो गया, वो चाय वाला केटली हो गई। ठीक है, इस प्रकार से पानी रखने के लिए, ये सारी अलग अलग प्रकार के मसाले रखने के लिए वो लालटेन हो गई, साथ ही इस प्रकार से गेव स्टोव चूल्हा सारे आपको मिल जाएंगे। देखो इस प्रकार से देखो ये आपको जूनागढ़ का प्रवेश द्वार आपको मिल जाएगा। और साथ ही देखिए इस प्रकार से जो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखा देंगे ना ये फोटो के अंदर, ये देखो रियल में वो सारी चीजें आपको फोटो के अंदर, जैसे कि बर्तन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान कराता है, दैनिक जीवन में काम में ली जाने वाली, आप इनको पढ़ सकते हो कि ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये आपस बादल महल का फोटो आ गया है। और देखिए ये आदिवासी लोगों को इस प्रकार से संस्कृति को आपको बिल्कुल उकेरा गया है तस्वीर के माध्यम से। और ऊपर से देखिए किस प्रकार से डिजाइनिंग वगैरह कर रखी है इसकी और किस प्रकार से अलग अलग रंगों से इनको बन रखा है। आपको ये सारी जानकारी या फिर आपको ये सारे जो चीज कैसे लगे हैं इनको आप जरूर कमेंट करके बताना। ये देखो ईस्ट वाले दीवार के अंदर ये देखो ताक के बना रखी है, इसके अंदर आपको छोटे से आपको एक कलाकृति मिल जाएगी जो यहाँ की फेमस है। ये देखिए इस प्रकार से आपको कुछ इशारा करके कुछ बता रखा है संकेत के माध्यम से। ठीक है, अच्छा ये आपको एक छोटी सी मूर्त यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखो जो आपने नीचे देखी थी ना ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। देखो ये संगमरमर पत्थर से बनाई हुई है, ये देखिए इस प्रकार से ये सारी चीज़ें। ठीक है, इधर आप शानदार झील गेप सागर झील का आप नज़ारा देख सकते हो, अभी बोटिंग की सुविधा भी है, वो फवारा चल रहा है, उस फवारे को जूम करिए सर एक बार, लाइटिंग भी चल रही है उसके अंदर। ठीक है, फवारा और लाइटिंग दोनों साथ में चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
और बाकी आप सारा नज़र आप यहाँ से देख सकते हो। इधर भी चलो, ये फुहारा अभी पहले बंद था, ये फुहारा भी आपके सामने भी चालू हो चुका है, इसको देखिए पास। बाकी ये सारा जो आपको कैसा लगा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस तरह लगा है। देखिए यहाँ पर देखिए ये फुहारा बना रखा है अलग अलग लाइटों के माध्यम से। वो देखो, वो आपको देखो यहाँ के डूंगरपुर के पुराने मंदिर मिल जाएंगे जो कि अभी वर्तमान में देवस्थान विभाग के अंदर आते हैं। इन सारे की देख रेख जो है ना देवस्थान विभाग करता है। ऊपर आपको फतेहगढ़ी दिखाई दे रही है, फतेहगढ़ी देखो वहाँ पर भारत माता का मंदिर भी है जो कि शायद राजस्थान में बहुत ही कम है या फिर ये एकमात्र होगा भारत माता का मंदिर, ठीक है। और तो दोस्तों आपने देख लिया होगा पूरा बादल महल। यहाँ पर डूंगरपुर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो, घूम सकते हो। लेकिन दोस्तों आप सभी से राय है कि जहाँ पर भी देखने जाओ ना वहाँ पर भी कचरा वगैरह ना फैलाएं, क्योंकि डूंगरपुर दोस्तों अभी राजस्थान में क्लीन के मामले में, स्वच्छता के मामले में नंबर वन के ऊपर है। तो हमें नंबर वन ही रखना है। और जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस जिले से आप संबंधित हो, उस जिले को भी आप स्वच्छ रखें। जैसे कि आप झील देख रहे हो, झील को कितनी साफ रख रही है इस प्रकार से। बाकी अलग अलग जिलों में आप झील देखते हो पानी की, उसको गंदा करते हैं लोग, उन्हें गंदा नहीं करना है। और इसी के साथ हम वीडियो को एंडिंग करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।